आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, अगर आपका अपना कंटेंट है और वो आपने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है और दोस्तों उसी कंटेंट को, उसी वीडियो को किसी और ने अपलोड कर रखा है और वो आपके जो है कंटेंट से फ़ायदा उठा रहा है, तो किस तरीके से आप जो है उसके ऊपर जो है स्ट्राइक दे सकते हैं, उसके ऊपर कॉपीराइट का इश्यू जो स्ट्राइक है वो कैसे लगा सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला है। तो दोस्तों मेरा नाम है नीरज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। दोस्तों ये रहा, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको सर्च करना है यूट्यूब, और दोस्तों अगर आपके सामने डेस्कटॉप वर्जन नहीं खुल के आता तो आपको राइट साइड में यहाँ पे डाउनलोड से का एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। तो आपके सामने जो है जो दोस्तों आपके सामने डेस्कटॉप वर्जन खुल के आ जाएगा। अगर तब भी आपके सामने जो है ऐसा ऑप्शन नहीं आता, अगर आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब डायरेक्ट ही खुल के आ जाता है, तो उसके अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू इन ब्राउज़र का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जो है कंटिन्यू इन ब्राउज़र नीचे की तरफ देख लेना है, आपका जो है डेस्कटॉप वर्जन, डेस्कटॉप साइट चल जाएगी। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपको देख लेना है, यहाँ पे आपको सी नाम से, आपको कॉपीराइट नाम से आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं ये रहा दोस्तों। तो इसके ऊपर फटाक से क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों आपकी वीडियो कौन कौन सी वीडियो जो है लोगों ने यूज़ की है, उसके ऊपर दोस्तों आपको जो है क्या लीगल एक्शन लेना है, आपको वो आर्काइव करनी है, क्या करना है, तो दोस्तों सारी वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टिक करने का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करते हो, आपके सामने ऊपर की साइड में ब्लैक कलर का एक पॉपअप खुल के आ जाता है। यहाँ इसके अंदर आपका दोस्तों आर्काइव, रिक्वेस्ट रिमूव और कॉन्टैक्ट चैनल का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों हमें जो है इसको सीधी ही स्ट्राइक देनी है, तो दोस्तों हम जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट रिमूवल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारा चिट्ठा खुल के आ जाता है, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म भरना होता है तभी आप जो है उसको स्ट्राइक दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों फॉर्म को फिल कर लेते हैं, तो थोड़ा मैं इसको जूम करके बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे माई सेल्फ दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप आपका अपना चैनल है या कुछ भी है, आप जो है यहाँ पे माई सेल्फ कर सकते हैं। अगर आप जो है किसी कंपनी का या फिर किसी और का चैनल जो है यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर उसको फिल कर दीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सेकंड नंबर में आपको आपका अपना नाम या फिर दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम नीरज है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का नाम अवनी टेक इंडिया लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका जो है मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपको ये वहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों जिसके पास स्ट्राइक जाएगी उसके पास आपकी जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो इसको याद रख लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट पहले से ही फिल हुआ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सेकंड जीमेल अकाउंट डाल देना है, तो मैं यहाँ पे अपना सेकंड जीमेल अकाउंट डाल देता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है लिखना है कि आपका क्या रिलेशन है वीडियो के साथ, तो ये आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से कि ये कंटेंट मैंने बनाया है और दिस इज़ माय कंटेंट और आई एम ओनर ऑफ दिस कंटेंट, कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये ऊपर के साइड में ब्लू आ जाएगा, अगर यहाँ पे रेड आता है तो आप जो है उसको कुछ चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपसे दोस्तों आपका ओरिजिन मांगा जाएगा, आपकी जो कंट्री मांगी जाएगी, तो आपको यहाँ पर इंडिया लिख देना है, भर देना है सॉरी। तो यहाँ पे आपको जो एड्रेस रहने वाला है वो भी यहाँ पे एड्रेस अपना फिल कर देना है, अपना जिप कोड यहाँ पे लगा देना है, अपने शहर का नाम यहाँ पे लिख देना है, और दोस्तों अपनी स्टेट का नाम भी यहाँ पे लिख देना है।
तो यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन मिलता है शेड्यूल सेंड 7 डेज नोटिस, यानी दोस्तों उसको जो है जिसको ये स्ट्राइक जाएगी उसको 7 दिन का टाइम मिलता है। अगर वो 7 दिन के अंदर अपनी जो वीडियो है उसको डिलीट नहीं करता तो उसको स्ट्राइक पक्का चली जाएगी। तो इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे 3 टिक करने हैं और यहाँ पे अपने सिग्नेचर ओरिजिनल वाले कर देने हैं। तो यहाँ पे ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। इतना कुछ करने के बाद आपको दोस्तों ये सब फॉर्म भरने के बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली जाएगी, लेकिन उसके ऊपर दोस्तों रिव्यू किया जाएगा। और जैसे ही रिव्यू पूरा हो जाएगा तो दोस्तों उसको उस बंदे को जो है इसके बारे में नोटिस दे दिया जाएगा। अगर वो 7 दिन के अंदर अपनी वीडियो नहीं हटाता तो उसके ऊपर दोस्तों स्ट्राइक चली जाएगी। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।